तो दोस्तों अब यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तो कमाल ही करके दिखा दिया है। दरअसल भारत के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान रखते हुए इन्होंने पहली बार एक कस्टम मेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को फाइनली तैयार कर लिया है और अब इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा फेस 4 और साथ ही में पटना मेट्रो के जो भी प्रोग्रेस है उन सभी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड और मॉनिटर करने के लिए। वैसे आपको बता दें कि इसके पहले जो इन्होंने फेस 3 कंप्लीट किया है तो इसे काफी हद तक ऑफलाइन ही किया गया, बट फाइनली अब यहाँ पर एक नए कदम रखे गए हैं विद डिजिटलाइजेशन। इस नए सॉफ्टवेयर के जरिए अब काफी सारा काम आसान हो चुका है। आप कह सकते हो जो भी ए टू जेड काम था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी को अब एकदम आसान ढंग से इसे मॉनिटर किया जा सकता है फाइनली। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस तरह के सॉफ्टवेयर को बाहर से लेते तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय इंडियन इंजीनियर्स तो यहाँ पर इंडिया की कंडीशन को ध्यान रखते हुए इसे काफी अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज और साथ ही में कस्टमाइज किया गया है। एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के मामले में ये इसलिए भी रेवोल्यूशन ला सकता है क्योंकि ये टेंडरिंग प्रोसेस से लेके फिर जो भी रेवेन्यू ऑपरेशन, देन उसके बाद जो भी इश्यूज आ जाते हैं रिलेटेड टू वर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ट्री प्लांटेशन, फिर शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज, डिजाइन स्टेटस, ऑल इन वन मात्र अब एक सॉफ्टवेयर से ही पूरी तरह से कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सकता है। तो सोचिए अगर इसी तरह के सॉफ्टवेयर को हम NHAI में भी यूज करने लग जाए तो यहाँ पर तो जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था तो वो तो और एफिशिएंट ढंग से मैनेज किया जा सकता है, और स्पेशली ये ट्री प्लांटेशन को लेकर, बिकॉज आज के समय में अगर आप देख लो NHAI में काफी सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि केवल नाम मात्र ही ट्री प्लांटेशन करते हैं। टेंडर में जो हाइट के ट्रीज बोले गए होते हैं तो उससे छोटे छोटे लगाकर ये बस किसी ना किसी तरह से इस काम को निपटाना चाहते हैं, और वहीं रोड एमिनिटीज के नाम पर कुछ अजीब ही कारनामे करके दिखाते हैं। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि पास्ट में काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन भी लिया गया, उन्हें डिटेन भी किया गया आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स से, और प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर अब ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। वेल, इस सॉफ्टवेयर के बाकी के फीचर्स की बात करें तो इसमें अब जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोग्रेस है उसे डैशबोर्ड में आप आसानी से 3D मॉडल्स के तहत भी जांच परख कर सकते हो। मात्र एक क्लिक में ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के स्टेटस को मॉनिटर किया जा सकता है, और साथ ही में IPMS पोर्टल के जरिए, दैट मींस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसके जरिए कहीं से भी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है बाय ऑफिशियल्स। सो काम में ट्रांसपेरेंसी, प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोग्रेस और साथ ही में डिले को अवॉइड करना, इन सभी कामों को ये सॉफ्टवेयर बखूबी निभा सकता है। एंड लेट्स होप कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स अब बाकी के मेट्रो सिस्टम में भी यूज किए जाए ताकि उनके कंस्ट्रक्शन में भी और तेजी और ट्रांसपेरेंसी आ सके। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।